हेलो स्टूडेंट्स इन योर इंग्लिश क्लास टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द एट्थ लेसन ऑफ द फोर्थ क्लास नेमली द पियानो लेसन नाउ आई स्टार्ट लुक एट द पिक्चर बिलो टू लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ पियानो एंड देयर फंक्शन पियानो के पार्ट्स और उसके फंक्शन के बारे में सीखने के लिए नीचे दी गई पिक्चर्स को देखो नीचे जो पियानो है पियानो की पिक्चर है यहाँ पे इसके पार्ट्स दिए गए हैं अलग अलग उनके नेम दिए गए हैं जैसे लास्ट पे पैडल्स है द पैडल्स आर यूज टू इंक्रीज़ और डिक्रीज द साउंड ऑफ द पियानो पियानो के जो साउंड होता है उसको घटाने और बढ़ाने के लिए पैडल्स यूज़ होते हैं ओके okay? ये जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज है कि पियानो के कौन से कौन से पार्ट्स होते हैं उन वो क्या क्या फंक्शन करते हैं ओके इट इज़ जस्ट योर नॉलेज द पीटर किन फैमिली इज फेसिंग अ प्रॉब्लम पीटर किन फैमिली है जो वो एक प्रॉब्लम फेस कर रही है लेट सी हाउ दॉल चलो देखते हैं वो इसको कैसे सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसमें कौन कौन से करेक्टर हैं जो लेफ्ट साइड पे बॉक्स है पीटर किन फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर पीटर किन मिसज पीटर किन अलीजा बेथ अलीजा सॉलमन जॉन एंड अगेम Or you the postmaster's daughter, the lady from Philadelphia, and the piano. Okay, only eight characters in this story. Now I start reading on the page number 110. Elizabeth Elijah had a present of a piano, and she was to take lessons of the postmaster's daughter. एलिजाबेथ एलिजा को एक गिफ्ट मिला था जो पियानो था और वो उसने लेसन्स लेने थे पियानो के कि पियानो को कैसे प्ले करते हैं किससे पोस्ट डॉटर जो पोस्ट मास्टर की डॉटर है उससे उसने सीखना था कि पियानो कैसे बजाते हैं दे डिसाइडेड टू हैव द पियानो सेट अक्रॉस द विंडो इन पार्लर एंड द पोर्टर्स ब्रॉट इट इन उन्होंने ये फैसला किया था कि वो विंडो के पास पियानो को सेट करेंगे रखेंगे और पोर्टर्स इसको अंदर ले आए एंड वेंट अवे और वो चले गए आफ्टर दे हैड गॉन उनके जाने के बाद द फैमिली ऑल केम इन टू लुक एट द पियानो सारी फैमिली अंदर आई पियानो को देखने के लिए उनके जाने के बाद सारी फैमिली रूम के अंदर आई पियानो को देखने के लिए द फाउंड द पोर्टर्स हैड प्लेसड इट विद रिस्पेक्टन टू वर्स मिडल ऑफ द रूम स्टैंडिंग क्लोज अगेंस्ट द विंडो उन्होंने क्या देखा कि जो पोर्टर हैं सपोर्टर क्या होता है सामान को उठाने वाले है ना तो वो इसको कहाँ पर रख गए हैं जो इस पियानो की बैक है वो मिडल ऑफ द रूम है मतलब जहाँ पे रूम का मिडल होता है वहाँ पर तो इसकी क्या है बैक है और विंडो की तरफ इसका फेस है आप जैसे पिक्चर में देख ही रहे हो होंगे एज शोन इन द पिक्चर जो इसका फ्रंट है वो बिल्कुल विंडो के पास है और इसका बैक है वो मिडल ऑफ द रूम है मतलब आगे बैठने की जगह ही नहीं है तो ये तो प्रॉब्लम होगी अब कैसे प्ले करेंगे वो ठीक है अगेमन प्रपोज दैट दे शुड ओपन द विंडो जो अगेमन है वो उन उसने क्या सजेस्ट किया कि हमें क्या करनी चाहिए विंडो ओपन करनी चाहिए देखो विंडो ओपन करेंगे तभी तो प्ले कर सकते हैं ना विच सोलम जॉन कुज लॉन्ग जो सोलामन जॉन है कर सकता था अपनी मतलब बाहें लंबी करके उसको खोल सकता था मतलब उसने खोल दिया देन अलीजा विद अलीजॉ शुड गो राउंड अपॉन दरेंट एंड प्ले द पियानो अब क्या है अलीजाव अलीजा वरण्डे में जाएगी मतलब रूम से बाहर जो वरंडा उसमें जाएगी विंडो के पास जहाँ पे पियानो रखा हुआ है तो विंडो ओपन हो गई वो वरंडे में है और पियानो रूम के अंदर तो विंडो के बीच में से ही वो क्या करेगी पियानो को बजाएगी इट वॉज वेरी प्रेटीसाइड टू सी अलीजावे अलीजा प्लेइंग ऑन द पियानो जब अलीजावे अलीजा पियानो को बजा रही थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था एक अच्छा दृश्य था देखने में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी वाइल्ड चीज सेट ऑन द वरेंडा विद द हनी सर्कल वाइन बिहाइंड हर वो अपने हनी सर्कल वाइन के साथ वरेंडे में पियानो बजा रही थी इट वॉज वेरी प्लीजेंट ड्यूरिंग मून लाइट इवनिंग मून लाइट मतलब चांदनी रात में वो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में बहुत ही खुशी हो रही थी इसको देख के मिस्टर पीटरकिन लाइक टू स्लीप ऑन हिज सोफ़ा इन द रूम मिस्टर पीटरकिन को सोफ़े पे सोना रूम में बहुत अच्छा लगता था क्यों ताकि वो उस पियानो को देख सके चांदनी रात में द रेस्ट ऑफ द फैमिली लाइक टू सिट ऑन द वंडा जो बाकी की फैमिली बच गई है है ना उनको भी क्या है वरेंडा में बैठना बहुत अच्छा लग रहा था ताकि वो उसको देख सकें एलिजाबेथ को पियानो बजाते हुए चांदनी रात में ओनली पुअर अलीजाब अलीजा हैड हर बैग टू द मून जो अलीजावथ अलीजा है उसकी बैग क्या है मून की तरफ थी क्योंकि वो तो पियानो बजा रही थी इसीलिए ऑन द पेज नंबर वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व ऑल दिस डेट वेरी वेल थ्रू द समर यह सब कुछ गर्मियों में बहुत अच्छे से हुआ बट वेन द फॉल का केम जैसे ही सर्दियाँ आई मिस्टर पीटरकिन द एयर वाज टू कॉल्ड फ्रॉम द ओपन विंडो एंड द फैमिली डिडेंट वांट टू सिट आउट ऑन द वरिंडा मिस्टर पीटरकिन ने क्या सोचा कि जो ये विंडो है इससे क्या है बहुत ही ठंडी हवा आती है एंड फैमिली भी क्या है वरिंडा में बैठना नहीं चाहती एजब अलीजा प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग विद हर क्लॉक ऑन अलीजा विद अलीजा क्या करती थी बिल्कुल मॉर्निंग में बिल्कुल सुबह सुबह जैसे उसका अलार्म बजता सुबह सुबह वो प्रैक्टिस करती थी पियानो की किसके साथ पोस्ट मास्टर्स डॉटर के साथ हाउ एवर शी वॉज अब्लाइज टू गिव अप हर म्यूज़िक इन दिनिंग द फैमली शीवर्ड्सो इसी लिए वो मजबूर थी कि वो शाम को अपना म्यूज़िक की प्रैक्टिस वो नहीं कर सकती थी Uh, क्योंकि फैमिली को ठंड लगती थी क्योंकि अगर वो प्रैक्टिस करेगी पियानो उसको प्ले करना पड़ेगा विंडो ओपन करनी पड़ेगी जिसकी वजह से ठंडी हवा अंदर आएगी तो सारी फैमिली को क्या होगी प्रॉब्लम होगी उनको ठंड लगेगी इसलिए वो शाम को प्रैक्टिस नहीं करती थी सुबह सुबह करती थी वन डे वन शी वॉज टॉकिंग विद द लेडी फ्रॉम फिलडेल्फिया शी स्पोक ऑफ द ट्रबल एक दिन क्या हुआ जब वो एक लेडी से बात कर रही थी जो कि फ़िलडेल्फिया से आई थी उसने अपनी प्रॉब्लम उसको बताई एलिजाबेथ ने उस लेडी को अपनी ये प्रॉब्लम बताई द लेडी फ्रॉम फिलडेल्फिया लुकड सरप्राइज जो फ़िलडेल्फिया से लेडी आई थी वो बहुत ही ज़्यादा हैरान दिख रही थी ये प्रॉब्लम सुन के एंड देन सैड और फिर उसने क्या कहा बट वाई डोंट यू टर्न द पियानो राउंड आप पियानो को घुमा क्यों नहीं लेते तो ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी अलीजाबेथ अलीजा वेंट होम डायरेक्टली अलीजाबेथ अलीजा क्या है सीधा रूम में गई एंड सोलॉम जॉन की हेल्प से उसने पियानो को घुमा दिया Why did we not think that before? Said बिफोर सेन मिस पीटर ने कहा कि ये सब हमने पहले क्यों नहीं सोचा What shall we do? वैन द लेडी फ्रॉम फिलडेल्फिया गोज होम अगेन हम क्या करेंगे जब फिलडेल्फिया दोबारा अपने घर जाएगी थैंक यू I'm reading on the page number नंबर वन हंड्रेड एंड टेन आफ्टर द हेड गोन द फैमिली ऑल केम इन टू लुक एट द पियानो उनके जाने के बाद सारी फैमिली रूम के अंदर आई पियानो को देखने के लिए They found the porters had placed it with its back turned towards the middle of the room, standing close against the window. उन्होंने क्या देखा कि जो पोर्टर हैं सपोर्टर क्या होता है सामान को उठाने वाले है ना तो वो इसको कहाँ पे रख गए हैं जो इस पियानो की बैक है वो मिडल ऑफ द रूम है मतलब जहाँ पे रूम का middle होता है वहाँ पे तो उसकी क्या है बैक है और विंडो की तरफ इसका फेस है आप जैसे पिक्चर में देख ही रहे हो, होंगे, शोन इन द पिक्चर जो इसका फ्रंट है वो बिल्कुल विंडो के पास है और इसका बैक है वो मिडल ऑफ द रूम है मतलब आगे बैठने की जगह ही नहीं है तो ये तो प्रॉब्लम होगी अब कैसे प्ले करेंगे वो ठीक है अगेमन प्रपोज दैट दे शुड ओपन द विंडो जो अगेमन है वो उन उसने क्या सजेस्ट किया कि हमें क्या करनी चाहिए विंडो ओपन करनी चाहिए देखो विंडो ओपन करेंगे तभी तो प्ले कर सकते हैं ना ोलमन जॉन कु डू विद हेज लॉन्गाम जो सोलॉम जॉन है कर सकता था अपनी मतलब बाहें लंबी करके उसको खोल सकता था मतलब उसने खोल दिया देन अलीजा विद अलीजा शुड गो राउंड अपॉन दरेंड एंड प्ले द पियानो अब क्या है अलीजावैथ अलीजा वरंडे में जाएगी मतलब रूम से बाहर जो वरंडा उसमें जाएगी विंडो के पास जहाँ पे पियानो रखा हुआ है तो विंडो ओपन हो गई वो वरंडे में है और पियानो रूम के अंदर तो विंडो के बीच में से ही वो क्या करेगी पियानो को बजाएगी इट वॉज वेरी प्रेटीसाइट टू सी अलीजावे अलीजा प्लेइंग ऑन द पियानो जब अलीजावथ अलीजा पियानो को बजा रही थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था एक अच्छा दृश्य था देखने में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी वाइल्ड शी सेट ऑन द वरेंडा विद द हनी सर्कल वाइन बिहाइंड हर वो अपने हनी सर्कल वाइन के साथ वरेंडे में पियानो बजा रही थी इट वॉज वेरी प्लीजेंट ड्यूरिंग मून लाइट इवनिंग मून लाइट मतलब चांदनी रात में वो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में बहुत ही खुशी हो रही थी इसको देख के मिस्टर पीटरकिन लाइक टू स्लीप ऑन हिज सोफ़ा इन द रूम मिस्टर पीटरकिन को सोफ़े पे सोना रूम में बहुत अच्छा लगता था क्यों ताकि वो उस पियानो को देख सके चांदनी रात में द रेस्ट ऑफ द फैमिली लाइक टू सिट ऑन द वंडा जो बाकी की फैमिली बच गई है है ना उनको भी क्या है वरेंडा में बैठना बहुत अच्छा लग रहा था ताकि वो उसको देख सकें एलिजाबेथ को पियानो बजाते हुए चांदनी रात में

मिस्टर पीटरकिन था एयर वाज टू कॉल्ड फ्रॉम द ओपन विंडो एंड द फैमिली डिट वांट टू सिट आउट ऑन द वरिंडा मिस्टर पीटरकिन ने क्या सोचा कि जो ये विंडो है इससे क्या है बहुत ही ठंडी हवा आती है एंड फैमिली भी क्या है वरिंडा में बैठना नहीं चाहती एजब अलीजा प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग विद होर क्लाक ऑन अलीजा विद अलीजा क्या करती थी बिल्कुल मॉर्निंग में बिल्कुल सुबह सुबह जैसे उसका अलार्म बजता सुबह सुबह वो प्रैक्टिस करती थी पियानो की किसके साथ पोस्ट मास्टर्स टॉटर के साथ हाउ एवर शी वॉज अब्लाइज टू गिव अप हर म्यूज़िक इन द इनिंग द फैमली शी वर्ड सो इसी लिए वो मजबूर थी कि वो शाम को अपना म्यूज़िक की प्रैक्टिस वो नहीं कर सकती थी Uh, क्योंकि फैमिली को ठंड लगती थी क्योंकि अगर वो प्रैक्टिस करेगी पियानो उसको प्ले करना पड़ेगा विंडो ओपन करनी पड़ेगी जिसकी वजह से ठंडी हवा अंदर आएगी तो सारी फ़ैमिली को क्या होगी प्रॉब्लम होगी उनको ठंड लगेगी इसलिए वो शाम को प्रैक्टिस नहीं करती थी सुबह सुबह करती थी वन डे वन शी वॉज टॉकिंग विद द लेडी फ्रॉम फिलडेल्फिया शी स्पोक ऑफ द ट्रबल एक दिन क्या हुआ जब वो एक लेडी से बात कर रही थी जो कि फ़िलडेल्फिया से आई थी उसने अपनी प्रॉब्लम उसको बताई एलिजाबेथ ने उस लेडी को अपनी ये प्रॉब्लम बताई द लेडी फ्रॉम फिलडेल्फिया लुकड सरप्राइज़ जो फिलडेल्फिया से लेडी आई थी वो बहुत ही ज़्यादा हैरान दिख रही थी ये प्रॉब्लम सुन के एंड देन सैड और फिर उसने क्या कहा बट वाई डोंट यू टर्न द पियानो राउंड आप पियानो को घुमा क्यों नहीं लेते तो ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी अलीजाबेथ अलीजा वेंट होम डायरेक्टली अलीजाबेथ अलीजा क्या है सीधा रूम में गई एंड विद द हेल्प ऑफ एंड सोलमो राउंड तो एंड सोलॉम जॉन की हेल्प से उसने पियानो को घुमा दिया वाई डिड वी नोट थिंक दैट बिफोर सेन मिसेज पीटर ने कहा कि ये सब हमने पहले क्यों नहीं सोचा वट शैल वी डू वैन द लेडी फ्रॉम फ़िलडेल्फिया गोज़ होम अगेन हम क्या करेंगे जब फिलडेल्फिया दोबारा अपने घर जाएगी थैंक यू